हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आपको इस चैप्टर में बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको हर एक लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, और क्या करना है, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेक्चर के, वो आपको प्रैक्टिस करना है। चलो आज के इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो सर्कुलर मोशन में, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम थीटा से डिनोट करते। तो इसका देखो, इसमें क्या है, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम, उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखो, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे ये एम मास का पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा इस सर्कुलर पाथ में, और समझ लो ये आर वन पोजिशन है, और कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल है यहाँ पर पहुंचा आर टू पोजिशन पर। तो इसने जो एंगल स्वीप किया थीटा का, उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आर वन टू आर टू। इसके जो पोजीशन वेक्टर ने कर के एंगल फ्रॉम आर वन टू आर टू, उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये क्या है, आर्क। तो देखो, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसका फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से अगर लिखेंगे तो आर्क कितना है, यहां से पी क्यू, और रेडियस कितना है, सर्कल का आर। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ आएगा। अब देखो, इसका ये जो यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये रेडियन और रिवॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। एक तो रेडियन है और एक क्या है, रिवॉल्यूशन। अब देखो, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि देखो, 180 डिग्री अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं पाई रेडियन, और अगर 360 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम 2 पाई रेडियन। तो अगर डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कहां से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से, और अगर 360 डिग्री है तो 180 डिग्री मतलब पाई, तो 360 करेंगे इसका डबल 2 पाई। तो आई थिंक आपको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इसका अगला कंसेप्ट एंगुलर वेलोसिटी देखते हो। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते ओमेगा से। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हमेशा डायरेक्टेड रहती अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन किधर रहेंगी, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। मतलब देखो, समझ लो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि अभी देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है एम मास का सर्कुलर पाथ में, और समझ लो ये डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसके बहुत से स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ओमेगा ये ऐसा है ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, पर मैंने क्या बताया, डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो ये पार्टिकल कैसा घूम रहा है, ये डायरेक्शन में, तो फिंगर को जिधर भी घूम रहा है उधर कर्ल करना, और थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो इधर देखो, थंब किधर पॉइंट कर रहा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ओमेगा किधर है, अंदर की तरफ। और ये अगर पार्टिकल ऐसा घूमता था ये डायरेक्शन में, ये का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस है समझ लो आर। तो देखो अभी का पार्टिकल किधर घूम रहा है, ये डायरेक्शन में, तो मेरा थंब देखो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा, तो यहाँ पे ओमेगा किधर है, बाहर के डायरेक्शन में। तो ध्यान में रखना कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा किधर डायरेक्ट रहती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। और सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना, इसका फॉर्मूला जो है ये है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और देखो यहाँ पे ये जो है थीटा अपॉन टाइम, ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब ये एंगुलर वेलोसिटी का है कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब ये जो एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखना। इसके बाद हमें जो पॉइंट ध्यान में रखना है एंगुलर वेलोसिटी में, कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका जो यूनिट है यह रेडियन पर सेकंड, या लिख सकते हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कितना है रेडियन, और टाइम का क्या रहता है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इसके बाद देखो ये इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है जो कि ध्यान में रखना है, कि देखो
अगर 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है तो इसको हम लिख सकते 2 पाई रेडियन पर सेकंड, और समझ लो ये एन रिवॉल्यूशन दिया है पर सेकंड तो इसको लिख सकते 2 पाई एन रेडियन पर सेकंड, और ये अगर एन रिवॉल्यूशन जो है ये पर मिनट में दिया है तो किसको क्या लिखेंगे 2 पाई एन अपॉन 60, मिनट को क्या में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 60 से डिवाइड करके तो क्या 2 पाई एन अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, तो देखो इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते। अब देखो इसमें थर्ड पॉइंट जो ध्यान में रखना है हमें, अब देखो समझ लो एक सर्कुलर पाथ है और इसमें एम मास का पार्टिकल रोटेट कर रहा है ये डायरेक्शन में विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, और ये क्या है अभी ओ पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस है आर, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे। अब देखो ओमेगा का एक और फॉर्मूला है टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और वेलोसिटी कौन सी लेना टेंजेंशियल। तो देखो कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पे दो लाइन बनाना है, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में। तो देखो ये वाली जो लाइन है ये रेडियल लाइन जो कि कहां से पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये क्या है टेंजेंशियल लाइन क्योंकि ये रेडियस के क्या है परपेंडिकुलर, तो ये कौन सी लाइन है टेंजेंशियल लाइन। तो जो भी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग रहेंगी वो हमें लेना है ये फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी कौन सी लेना जो टेंजेंट के अलोंग है, तो ये क्या है अलोंग द टेंजेंट है, और ये हमेशा कह रही थी रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना जो वेलोसिटी रेडियल लाइन के अलोंग है वो वेलोसिटी हमें क्वेश्चंस में नहीं लेना है, कौन सी लेना है टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हम ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यहाँ पर ये जो वी वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है हमेशा करेगा परपेंडिकुलर रहेगा टू बोथ ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, और ये हमेशा कौन सी लेना वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्मूला है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या रहती हमेशा परपेंडिकुलर रहती रेडियल लाइन की क्योंकि रेडियल लाइन हमेशा पास करती एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। देखो तो दो लाइन बनाना कोई भी सर्कुलर मोशन में, एक रेडियल एक टेंजेंशियल, रेडियल हमेशा सेंटर से पास करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और टेंजेंशियल लाइन हमेशा किसके परपेंडिकुलर रहेंगी रेडियल लाइन की। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा एंगुलर वेलोसिटी का, तो इतना नोट कर लो फिर हम इस पे क्वेश्चन देखते। अब देखो हम इस पे पहला क्वेश्चन देखते, हमें क्या दिया अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमें क्या निकालना है फाइंड द ओमेगा एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। तो इसको कैसा करेंगे, देखो हमने यहां से एक पार्टिकल है समझ लो प्रोजेक्टाइल है, इसको इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा ऐसे प्रोजेक्ट किए, तो ये ग्राउंड पे कितने की वेलोसिटी से गिरेगा सेम वेलोसिटी यू से, और एट एन एंगल ऑफ थीटा गिरा, तो ओमेगा निकालना है यहाँ पे इस पार्टिकल की, ओमेगा निकालना है कितनी एंगुलर वेलोसिटी रहेंगे। तो मैंने बताया था कि देखो ये क्या होगी रेडियल लाइन क्योंकि ये कहां से पास कर रही यहां से हमने फेंके, तो ये क्या होगी रेडियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी टेंजेंशियल लाइन। तो मैंने बताया था कि टेंजेंशियल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहती है रेडियल लाइन की, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, तो हमें यही वेलोसिटी होना है यहाँ की टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियल हमारे कुछ काम की नहीं। तो देखो ये डिस्टेंस किसके बराबर है रेंज की, और देखो अब हमें क्या होना टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके कंपोनेंट, तो इधर थीटा है तो इधर क्या आएगा कॉस का कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और इधर क्या एंगल परपेंडिकुलर कंपोनेंट यू साइन थीटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है ओमेगा वी टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय आर, तो वी टेंजेंशियल कितना है वी यू साइन थीटा, और यहाँ पे आर किसके बराबर है रेंज के, और रेंज का फॉर्मूला क्या रहता है टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, देखो यहां से यू स्क्वायर यू कैंसल साइन थीटा कैंसल, तो ये कितना आएगा जी अपॉन टू यू कॉस थीटा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो फिर आगे देखते। अब देखो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, हमें क्या दिया रिपीट द सेम प्रॉब्लम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट। तो देखो हमने यहां से यू के वेलोसिटीज प्रोजेक्ट किए, तो हमें अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है,
ओमेगा, ये गए यहाँ पे, यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किए। तो देखो अब सबसे पहले ये गए मैक्सिमम हाइट एच, तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में यू कॉस थीटा, ये तो गए कॉन्स्टेंट, और ये एंगल जो है हमें यहाँ से ये कितना दिया अल्फा। तो देखो मैंने बताया था ये एक्स ऑफ रोटेशन है, और एक्स ऑफ रोटेशन के हमेशा पास करने वाली लाइन ये कौन सी होगी, रेडियल लाइन, यू के रेडियल, और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन रहेंगी, देखो ये जो रेडियल लाइन है ये कहां से पास कर रही, देखो ये क्या एक्स ऑफ रोटेशन, और रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन मैंने बताया था कौन सी रही थी, टेंजेंशियल लाइन, और हमें ये वेलोसिटी होना, ये हमारे काम की टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो देखो ये कितना यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा, तो यहाँ से भी देखो हॉरिजॉन्टल से यू कॉस थीटा से ये एंगल कितना रहेगा अल्फा। अब देखो इधर अल्फा, तो इधर आएगा कॉस का कंपोनेंट, और इधर का आएगा साइन का कंपोनेंट, तो इधर का आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा साइन अल्फा, और रेडियल वेलोसिटी कितनी आएंगी यू कॉस थीटा कॉस अल्फा। तो हमारे काम की कौन सी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा साइन अल्फा। और देखो यहाँ से आर डिस्टेंस ये कितना आएगा, पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय फोर, ये आर बाय टू का स्क्वायर। अब देखो ओमेगा निकालना है तो क्या आएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन कितना आएगा आर। यहाँ से अगर साइन अल्फा लिखेंगे ट्रायंगल से तो कितना आएगा, देखो अपोजिट साइड कौन थी एच, मतलब मैक्सिमम हाइट, और एपिडेंस कितना है स्मॉल आर, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो यू कॉस थीटा साइन अल्फा की जगह एच अपॉन आर, तो कितना आएगा एच अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये कितना आएगा यू कॉस थीटा इंटू एच अपॉन आर स्क्वायर की जगह लिख सकते एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय फोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते। अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर मॉड्यूल में हर एक टेस्ट में मिलेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कह दिया एक स्पॉटलाइट है एस जो कि रोटेट कर रहा विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 0.1 रेडियन पर सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये देखो ये लाइट है ऐसा रोटेट कर रहा, और इसका स्पॉट की वेलोसिटी ये पी पॉइंट पर कितनी है वी। तो अब हमें ये क्या निकालना है, जो स्पॉट है इसका पी पॉइंट पर ये निकालना है इसकी वेलोसिटी वी, जब ये एंगल जो है थीटा ये कितना रहेगा 45 डिग्री। तो देखो इसको कैसा करेंगे, सबसे पहले देखो अब ये जो है ये एंगल हमें कितना दिया थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा। और देखो ये क्या होगी रेडियल लाइन, क्योंकि ये कहां से पास कर रही है एक्स ऑफ रोटेशन से, देखो इसके अब घूम रहा ना, ये क्या होगी पूरी रेडियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी रहेंगी, ये होगी टेंजेंशियल लाइन। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि जो एक्स ऑफ रोटेशन से पास करेंगी वो होगी रेडियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर लाइन बना वो क्या होगी टेंजेंशियल लाइन, ये क्या होगी परपेंडिकुलर। तो हमें कौन सी वेलोसिटी होना, टेंजेंशियल वेलोसिटी वीटी, रेडियल हमारे कुछ काम की नहीं। तो देखो ये कितना है 90, इतना एंगल, और ये 90 माइनस थीटा है, और ये कितना है 90, तो ये कितना रहेगा यहाँ से थीटा। तो देखो इधर वेलोसिटी है इधर थीटा है, तो इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा वी कॉस थीटा जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और रेडियल कितना आएगा वी साइन थीटा। तो हमारे काम की कौन सी है टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो अब क्या लगाएंगे ओमेगा क्या आएगा वी टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय आर। देखो वी टेंजेंशियल कितना है वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब देखो इस ट्रायंगल से हम कॉस थीटा क्या लिख सकते, एडजेसेंट कितना है 3, और हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है आर के, तो ऐसे आर के जगह क्या लिख सकते 3 अपॉन कॉस थीटा। तो इस आर को यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ओमेगा इक्वल टू वी कॉस थीटा, आर के जगह क्या लिख सकते 3 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस किधर गया ऊपर, तो ओमेगा कितना आएगा वी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3। तो ओमेगा कितना दिया हमें 0.1, और वी हमें निकालना है, और थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 0.3 इक्वल टू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो वी कितना आएगा ऐसे 0.6 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक आपको ये अप्रोच समझ आएगा, सबसे पहले क्या करना है, दो एक्सिस बना लेना, एक टेंजेंशियल लाइन बनाना और एक रेडियल लाइन। रेडियल लाइन हमेशा कहां से पास करेंगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये जो है रेडियल लाइन की हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी टेंजेंशियल लाइन, और कौन सी वेलोसिटी निकालना, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा एंगुलर वेलोसिटी का,
इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कुछ एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।